हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन। आज के वीडियो में भी अपन रिड्यूसिबल जो होमोजीनियस इक्वेशन है जो अपन ने कल के वीडियो के अंदर पढ़ा था उसके कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड करवाया था। पहले मैंने सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन को बताया था कि ये कहाँ तक अपना इसका जो दिया गया रूप होता है वो किस तरीके का होता है, उसको अपन किस तरीके से अपन सरल करते हैं, इसमें क्या क्या लेट करते हैं, ये सब अपन ने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज इसका कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल अपने को गिवन है डिवाइड बाय dx इक्वल x प्लस वाई प्लस वन बटे 2x प्लस वाई प्लस थ्री। 2x प्लस 2y प्लस थ्री, ठीक है, ये अपने को यहाँ पर गिवन है। इस क्वेश्चन को अपने को यहाँ पर सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लेट करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर देखो रिड्यूस करने के लिए अपने पास एक अलग तरीके का इस्तेमाल किया गया है। अपने को कल वाला जो तरीका है उसको यहाँ पर इसमें यूज नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वैल्यू अपने को गिवन है, ये तो गिवन है वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर देखिए ये x प्लस वाई अगर इस पद में से भी अपन 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो अपने पास क्या बच जाता है, यहाँ पे x प्लस वाई बच जाता है। तो इसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा अलग तरीके से होगा, देखिए किस तरीके से, लेकिन इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे, वो भी वी लेट करके चलेंगे और फिर उसको अपन होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज करेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को भी अपन होमोजीनियस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से लिख लिया, नीचे वाला जो है हर उसमें से अपन ने 2 कॉमन निकाल लिया अगले दो पदों से, तो ये क्या बन गया x प्लस वाई प्लस थ्री, ये बन गया। अब अपन यहाँ पर किसको रिड्यूस करेंगे, x प्लस वाई को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, x प्लस वाई को v से रिड्यूस करेंगे, जैसे उसके अंदर अपन क्या करते थे y बाई एक्स को v से रिड्यूस करते थे, वो तरीका यहाँ पर यूज नहीं करके अपन देखिए यहाँ पर अगर इसको v से रिड्यूस कर दें ये भी v से रिड्यूस हो जाएगा तो अपना इजीली ये जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे अपन लेट करेंगे माना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वी। अगर x प्लस वाई को मैंने v लेट किया है तो जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा इक्वल dv बाई dx। ठीक है, तो यहाँ से जब अपन dy बाई dx की वैल्यू रखेंगे तो 1 उधर चला जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dv बाई dx माइनस 1 ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अपन इस इक्वेशन में क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स में तो क्या लिख देंगे, डी वी बट्टा डी एक्स माइनस वन, इसको लिख देंगे वी प्लस वन और इसको भी लिख देंगे टू वी प्लस थ्री। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वन है उसको उधर ले जाएंगे और इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, v प्लस वन बटे टू वी प्लस थ्री और यहाँ पर क्या है प्लस में वन, तो ये आ जाएगा अपना एलसीएम टू वी प्लस थ्री। यहाँ से इसको सॉल्व करने पर ये बन जाएगा थ्री वी प्लस फोर बटा टू वी प्लस थ्री। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर बन जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, आगे सरल करेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसको कैसे सरल करते हैं अपन। इसकी जो वैल्यू होती है dv बटे dx, तो यहाँ से अपन v वाले पद को अलग कर लेते हैं, x वाले पद को अलग कर लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, dv बटे dx इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा,
थ्री बी डीएक्स को इधर रख लेते हैं और डीवी को अपन उधर भेजते हैं। देखिए तो ये उल्टा हो जाएगा और अपना किसी तरीके से लिखेंगे यहाँ पे चरों को अलग करने पर सेपरेशन मेथड का यूज़ करेंगे और चरों को अलग करेंगे तो dx तो अपन इधर रख लेते हैं और ये वाली वैल्यू dv उधर जाएगी तो क्या बन जाएगी 2v प्लस 3 बटा 3v प्लस 4 उल्टी हो जाएगी ना और ये क्या आ जाएगा dv आ जाएगा। ठीक है इस तरीके से अपन इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको जब अपन सरल करेंगे पहले अपन इनको क्या करेंगे तोड़ेंगे, तोड़ कर जब अपन इसको सरल करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी टूट कर आ जाएगी 2/3 प्लस 1/3 3v प्लस 4 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है और यहाँ बाहर क्या है dv अपना है ही। अब इसको अपन क्या करेंगे समाकलन करेंगे और समाकलन करके इसका आंसर निकालेंगे और फिर वापस v की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए समाकलन करेंगे तो कैसे होगा इसका लिखेंगे समाकलन यहाँ dx चल रहा है अपना समाकलन करने पर तो जब अपन इसका समाकलन करेंगे तो एक तरफ तो बन जाएगा dx और इधर बन जाएगा देखिए इन दोनों को अपन अलग अलग कर लेते हैं 2/3 dv प्लस 1/3v प्लस 4dv। ठीक है इसको अपन क्या करेंगे यहाँ पर समाकलन करके सरल करेंगे तो सरल करने पर अपनी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे तो आ जाएगी 2/3v इधर आ जाएगा x इधर आ जाएगा 2/3v और इधर क्या आ जाएगा देखो यहाँ से 3 जो है वो वापस बाहर निकल के क्या आएगा अपना बटे में ही आएगा तो अपनी क्या वैल्यू बन जाएगी 1/9 हो जाएगी और log 3v प्लस 4 बनेगा। ठीक है और यहाँ कोई कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं c। ठीक है इस तरह से इसको क्या कर दिया अपन ने रिप्लेस कर दिया। इस कॉन्स्टेंट को अपन लॉग के फॉर्मेशन में भी अपन लिख सकते हैं। अब इसको अपन आगे सरल करके अपन आंसर निकालेंगे तो देखिए क्या आएगी वैल्यू अपनी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। तो अपन सरल करके इसको इस तरीके से लिखेंगे देखिए इसको अपन क्या कहते हैं सी को अपन क्या लिखते हैं लॉग सी लिख लेते हैं। ठीक है लॉग सी लिखने के बाद ये वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी एक्स को अपन ये जो 9 है इसको उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर अपन क्या आ जाएगा अपना देखिए पहले तो अपन लॉग को यहाँ पे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं एक्स अपना एज इट इज रहेगा एक बार फिर अपन क्या करेंगे ये वाली जो वैल्यू है ठीक है इसके अंदर क्या कर देंगे v की वैल्यू को क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे तो v की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए 2/3 x प्लस वाई प्लस 1/9 log 3x प्लस 3y प्लस 4 यही बना अंदर और क्या बन जाएगा log सी बन जाएगा। अब अपन 9 को क्या ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम की फॉर्म में लेते हैं तो 9 अगर एलसीएम लिया तो क्या बन गया अपना इधर आएगा और 9 को एलसीएम लेने के साथ साथ अपन इस वैल्यू को भी इधर ले आते हैं। ठीक है तो ये बन जाएगी 9x तो ये आ गया और ये बन जाएगा 6x प्लस 2y प्लस log 3x प्लस 3y प्लस 4 और यहाँ पर क्या आएगा log c। ठीक है अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये इधर क्या बच गया अपना 6x माइनस हो जाएगा 9x में से 3x बच गया और इधर बच गया 6y इजिकल्स टू अब अपन log को चेंज कर लेते हैं। ठीक है ये दोनों log एक साथ लिख लें तो क्या बन जाएगा c
थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर। अब अपन क्या करेंगे, लॉग को हटा लेंगे, और अपन जानते हैं जब अपन लॉग को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपना एक्सपोनेंशियल से रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग को जब अपन हटाएंगे तो ये बन जाएगा, इधर से थ्री कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स माइनस टू वाई, ठीक है। तो इसका एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, इधर अपन लॉग हटाएंगे तो, और इधर क्या बच जाएगा, सी थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, थ्री को कॉमन निकालेंगे, उधर से आपको दिख रहा है थ्री कॉमन है, और फिर जो थ्री सी होगा उसको उधर भेज देंगे, यानी इधर देखिए इस तरीके से बन जाएगा एक्सपोनेंशियल में थ्री एक्स माइनस टू वाई, इसमें से मैंने थ्री कॉमन निकाला तो थ्री सी हो गया, और एक्स प्लस वाई प्लस फोर बाई थ्री लिखा जाएगा। इसी तरीके से लिखेंगे ना अपन, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस फोर बाई थ्री लिखा गया, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ये थ्री सी मैं इधर ले आऊँ और इसको किसी अन्य कॉन्स्टेंट से नाम दे दूँ, के नाम दे देती हूँ, ठीक है। और e की पावर थ्री एक्स माइनस टू वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस फोर बाई थ्री, ये क्या हो जाएगा अपना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर अपन ने अलग क्या देखा, अलग अपने ये देखा कि यहाँ पर अपन y को v बाई एक्स से रिप्लेस नहीं करके यहाँ पे अपन ने x प्लस वाई को किसे रिप्लेस किया है, v से रिप्लेस किया है, और वापस उस वैल्यू को अपन ने रख के क्वेश्चन को इस तरीके से सरल किया है, ठीक है। ये अपना एक इम्पोर्टेंट और एग्जाम्पल था जो अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। अब अपन यहां पर एक दो क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपन ने जब अपन शुरुआत में जब अपन अवकल समीकरण की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ रहे थे तब अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा था, रेखिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था। ये भी क्या होती है, एक घातीय होती है, इसके अंदर प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो समीकरण होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको अपन किस तरीके से लिखते हैं ये अपन देखने वाले हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका जो लिखने का तरीका होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू, ठीक है। यहाँ पर ये जो p और q जो फंक्शन होते हैं ये किसके फंक्शन होते हैं, x के फंक्शन होते हैं, ठीक है, और y इसके क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है, और अपने को इसको सरल करके क्या निकालना होता है, इसका सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। तो रेखिक अवकल समीकरण को यहाँ पर इस तरीके से निकाला जाता है। तो रेखिक अवकल समीकरण के सॉल्यूशन के लिए अपन आपने जो ट्वेल्थ क्लास के अंदर पढ़ा होगा अपन इंटीग्रेटेड फैक्टर को निकालते हैं, यहाँ पे समाकलन गुणांक जिसको बोलते हैं उसको निकालते हैं। तो समाकलन गुणांक को कैसे निकालेंगे, समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटेड फैक्टर, इंटीग्रेटेड फैक्टर को लिखने का तरीका होता है ई की पावर में समाकलन पी डी एक्स, ठीक है। अगर पी एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे इसका दूसरा एक तरीका भी होता है, जब अपन यहाँ पे इसको डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में लिखते हैं, डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में लिखते हैं तब ये क्या लिखा जाता है, पी एक्स लिखा जाता है और क्यू लिखा जाता है। तब पी और क्यू जो होते हैं वो किसके फंक्शन होते हैं, वाई के फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन होता है। तब अपना जो इंटीग्रेटेड फैक्टर होगा इसका जस्ट उल्टा, यानी ई की पावर में पी तो होगा लेकिन डी एक्स की जगह क्यों कौन होगा, डी वाई होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कल अपन इसके सॉल्यूशंस के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। कल का वीडियो अपना जो है रेखीय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखीय अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस कीजिए करेंगे। आज जो है वो अपन ने एक और एग्जाम्पल डिस्कस किया, आप उसको ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।